मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। हाल ही में दमोह में चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिलकर पीएम मोदी को हराने की साजिश कर रही है। वहीं उमा भारती ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने थल सेना अध्यक्ष को गुंडा कह दिया था। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान गए और वहां जाकर उन्होंने पीएम मोदी को हराने की साजिश की। बता दें कि कांग्रेस के अलावा उमा भारती ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव पिता की कमाई पर पल रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के कहा कि ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, जय हो। जिस आदमी ने, जिसकी पार्टी ने, अखिलेश का मैं क्या बोलूं, वो तो अपने बाप की कमाई खा रहे हैं। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जातीय विभाजन और धर्म का विभाजन और इसी पे खून खराबा। इसके अलावा इनकी कोई दूसरी राजनीति नहीं, इनकी पूरी राजनीति जातीय तनाव